जो लड़की कैरेक्टर है ना उसी की डिसेक्शन करेगा। सारी मूवीज देखी है मार्वल को, तो मैंने शुरू से फॉलो किया है। MBBS ऐसा कोर्स है जो आप खुद से नहीं कर सकते। इवन इफ यू गेट गुड ग्रेड्स दैट डजंट मीन कि यू आर अ गुड डॉक्टर। MBBS नोस यू विलिंग टू सैक्रिफाइस। दिस वाइट कोट कम्स एट अ प्राइस। तुम मस्ती भी कर सकते हो, तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में जो तुम्हें अचीव करना है कर सकते हो। दो बार जाना, दो बार जाया है। हाय हाय गाइस, आई एम विद माय सीनियर्स डॉक्टर आरुण अरोड़ा सर एंड श्रेया मैम। वी हैव नव्या मैम, तनिष सर एंड तनिष्क सर। तनिष सर ने यूएस एमली क्लियर कर लिया है। तनिष सर ने क्लियर किया है। अच्छा, मुझे नहीं पता। कॉलेज में ज्यादा किसी सीनियर से बात नहीं करती, कॉलेज में भाव नहीं देता वैसे भी। Brutally honest. हम आरुण सर को लिटरली गॉड ऑफ हिमसर बोलते हैं प्यार से, क्योंकि सर ने लिटरली जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको पास करवाया। मेरे को पर्सनली तनिष सर ने काफी ज्यादा गाइड किया था फॉर यूएस एमली, एंड होप यू कैन ऑल्सो गेट सम एडवाइस फ्रॉम देम। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, दीदी, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी करने की आजादी हो तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं अपना कर्फ्यू हटाऊंगी और अनलिमिटेड हाउस पार्टीज, एंड आई ब्रिंग 100 पपीज टू द होम और उनके साथ रहूंगी। बस। इसका तो सपना पूरा नहीं होने वाला, लेकिन आपके डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। बिकॉज टुडे स्पॉन्सर फिजिक्स वाला आपके लिए लेके आए हैं सपने देखने की आजादी। सो दिस इंडिपेंडेंस डे फिजिक्स वाला हैज गॉट अमेजिंग डिस्काउंट फॉर यू ऑल। अर्जुन लक्ष्य एंड यकीन बैच फॉर +1, +2 एंड ड्रॉपर्स इज जस्ट एट ₹3200। गाइस, कंपेयर टू जो हमने इसकी प्रिपरेशन के लिए पे किया ना, दिस इज लाइक पीनट्स। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू गेट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, 6 days a week क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट्स, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास एंड 3 लाइव क्लासेस इन अ डे। यू विल गेट इवन मोर डिस्काउंट इफ यू यूज आवर कूपन कोड। विद ईच बैच यू विल गेट अ स्पेशल सेट ऑफ बुक्स व्हिच यू कैन बाय विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड जस्ट ₹49 में यू कैन गेट दीज पॉकेट कोर्सेज, जिसमें चैप्टर वाइज 1 short वीडियोस होंगी और क्विज फॉर्मेट में 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपका रिवीजन ऐसे ऐसे क्विक कर देंगे। आई विश आई हैड दिस रिसोर्स। ऑल्सो गाइज, देयर इज अ बिग इंडिपेंडेंस डे सेल गोइंग ऑन एट द फिजिक्स वाला स्टोर, प्लीज गो चेक इट आउट। तो अपने सपनों को उड़ान दो विद फिजिक्स वाला, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारी कैडवर थी वो एक अकेली कैडवर थी जो फीमेल थी। हाँ। तो एक तो सारे लड़के इतने ठरकी और मेडिकल वाले पता नहीं लड़की वड़की देख नहीं रखी होती पहली। सबसे ज्यादा पसंद वही आई कि जो लड़की कैडवर है ना उसी की डायसेक्शन करेगा। यहाँ पे डायसेक्शन चल रहा है, हम बस साइड हो गए, सारे लोग खाना चार रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट ले लो, तुम स्नैक्स ले लो, सब कुछ चल रहा है। एंड वेरी फेमस इंसिडेंट, हम लोग आराम से चाय पीते पीते आ रहे हैं और मैम अंदर पूछ रही है कि कौन है, चाय वाली लड़की कहाँ है। मेरा दोस्त है सबूर, वो थोड़ा हरामी सा है। उसने सोचा कुछ खुराफात ही करते हैं, उसने क्या करा, थोड़ा कान पकड़ा, काटा, घर ले गया। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। हार्ट जब निकला तो उसके साथ फोटो होनी चाहिए और वो कम से कम 1 महीने तक DP जरूर रहे। कभी कभी ना कुछ बोन्स को डिसेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर लंग निकाल रहे हैं, लंग निकालते हुए ना जब आपको बोन डिसेक्ट करनी होती है तो वो नॉर्मल स्कैल्पर से नहीं होती, तब आती है डिसेक्शन हॉल में बड़ी चीजें, आरी आ रही है। तो आरी लेके भी डिसेक्शन करा, पकड़ पकड़ के ऐसे करके बोन काट लिया और लंग निकाल लिया, उसके अंदर फोटो और खींचते हैं। पता नहीं कुछ बहुत बड़ा सा अजीब कर लिया जिंदगी में, लंग निकाल। और जब लंग निकला ना पूरा काला था, पूरा का पूरा काला था। ऊपर से हमारी फीमेल कैडवर थी, तो हमने सोचा बीड़ी बाद होगी। सारी मूवीज देखी है मार्वल को, तो मैंने शुरू से फॉलो किया है। मेन रोल है बैलेंस। अगर मैंने सोच रखा है आज मेरे को 3 topic करने हैं, तो जब तक वो 3 topic अगर मैं 2 घंटे में भी कर लूँ, खत्म, मेरा पूरा दिन फ्री। हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पता है कैसे याद है, ट्रिप से, कि इस साल और ये ट्रिप मारी थी, फिर ये गोवा। एग्जैक्टली, तो हमारी ट्रिप्स बहुत बड़ी। और मेरे को इतना हेट मिलता है यूट्यूब पे कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम ये इधर जाते हो, जाते गाइस, टॉपर्स लोग भी बोल रहे हैं कि जाते हैं, उनको यही सब याद है और यही सब याद रहेगा। वी वेंट फॉर एवरी फेस्ट, या DU का फेस्ट, नॉन DU फेस्ट, कहीं भी कोई फेस्ट हो, हर सारे फेस्ट जितने भी जगह पे मस्ती की, मूवीज, हर एग्जाम के बाद बाहर जाना कंपलसरी था। स्पोर्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट। स्पोर्ट्स आप दोनों खेलते हो ना भाई? मैं तो अच्छा, आप तीनों नेशनल लेवल भाई, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, टेनिस भी खेलता हूँ, फुटबॉल टीम कैप्टन भी हूँ, कितने ही टूर्नामेंट खेले हैं, कितने ही जीते हैं, उसी में मजा है यार। जिंदगी भर पढ़ना है, यू लिटरली चोजन टू स्लॉग, यू चोजन टू हैव अ लाइफ विच इज लिटरली नो एंजॉयमेंट। अब अगर तुम कहीं से कुछ ना कुछ सोच नहीं लाओगे अपनी जिंदगी में, तुम फांसी का फंदा ही बांधते, ऐसा ही समझ। एग्जैक्टली, लाइक यू विल कांस्टेंटली हेट कि ये पेशेंट्स इतने क्यों हैं, लोग ऐसे क्यों हैं, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट। तो फिर कोई वो पॉइंट तुमने डिफीट कर दिया पूरी उस चीज का।
MBBS ऐसा कोर्स है जो आप खुद से नहीं कर सकते, आपको सबके हाथ पकड़ के ही आगे चलते हो। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा लंबा है। जैसे हम 12th में बोलते थे ना कि हम ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो तो फेक होता था, ठीक है। एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में ना, चाहे जितना मन चाहे कह लो कि भाई आप पढ़ाई पे जितनी बॉन्डिंग होती है ना, उतनी किसी पे भी नहीं होती, मतलब। और क्योंकि पूरे दिन बैठ के पढ़ना ही है या फिर मस्ती करनी, तो मस्ती भी साथ में होती है, पढ़ाई भी साथ में होती है, ब्रेक्स भी साथ में होते हैं। जब ब्रेक गेड़ी मारने चल रहे हैं, चल रहे हैं, बाकी कॉलेजेस में सीनियर्स बोलते हैं मूवी देखने चल, यहाँ पे बोलते हैं सीनियर्स हमसे मार्किंग ले ले। आई गेस तनिष सर ने मुझे बताया था कि आप उनसे पढ़ते थे। मैं तो हर साल ऐसे हैप्पी टीचर्स डे करता ही हूँ। बहुत ज्यादा एमएलई फोकस था मैं, बिल्कुल भी जो कॉलेज के में चल रहा है वो उसके बिल्कुल नहीं पढ़ता था। ये थोड़ा बहुत जो पढ़ लेता था थर्ड ईयर का, उससे ही मैं जितना वो बताता था उतना ही वॉमिट करके आता था मैं एग्जाम में। मतलब दो दिन पहले एग्जाम से पहले बता रहा हूँ, एग्जाम के बीच में। Also, like, इन लोगों की फार्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो आई स्टिल रिमेम्बर रोज यही चलता रहता था, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऐसे ही याद है कि शिट ये तो अभी बताया था, अभी बताया था, ये वाला ऑप्शन है पक्का पक्का। अभी भी वो ड्रग याद है, बिकॉज हमें ऐसे याद है कि ऐसे पूछा था वहाँ पे, और तब नहीं आता था। मेरे को अभी भी याद है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे था हमारा, उस दिन ना मेरा कोई दोस्त नहीं बना था एक्चुअली, तो मैं इतना सैड होके घर पहुंचा हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं बना है, मैं नहीं जा रहा वापस कल कॉलेज। उसके फिर अगले दिन टच वो हुआ क्या, एक प्री मेडिकल चेकअप करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली उस दिन क्या हुआ, उन्होंने मेरा ब्लड निकाला। अब जैसे मेरा ब्लड निकाला, एक बॉटल निकाली, जो छोटे छोटे तीसरी बॉटल निकाली, मैं हो गया बेहोश। उस दिन से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है, नॉट ओनली फ्रॉम मतलब क्या मेरे बैचमेट्स, क्योंकि उन्होंने जान लगे ये वो लड़का है जिस जो बेहोश हो गया था एग्जाम निकालते निकालते, नर्सेस जो वहाँ नर्स थी, ठीक है, वहाँ से दोस्ती बने थे। ही इज लाइंग, आई विल टेल यू, नो दिस इज नॉट द रीजन, द रीजन वाज ये पिज्जा ऑर्डर करता था, सबको ऑफर करता था कि पिज्जा फर्स्ट डे पे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बट देन यू गेट टू नो योर सिलेक्टिव पीपल। हम सबको एक सिंगर पसंद था, तो चलो साथ में सिंगर को देखने चलते हैं, ये टॉपिक डिफिकल्ट, चलो साथ में टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऐसे करते करते यू गेट जैसे वो होता है ना, देन यू कट शॉर्ट करते करते फाइनल ईयर में यू हैव टू पीपल लेफ्ट, दैट इज यू हैव 20 पीपल, फाइनल ईयर में टू पीपल, दैट इज द ट्रुथ। पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो फर्स्ट डे पे तीन फ्रेंड्स थे, they are not these true people and now they are my besties. So it's because yahi hai ki like it's okay to like let some friendships go, because jab tum baat karoge tumhe pata chalega ki yeah these are not your people. Yeah. So you should not be like you are fake for somebody else, or also yeah. not ki tum bure ho agar tumne koi friendships todi to. When you come to a college, you get alone all of a sudden. Tum abhi protected environment se aate ho ghar se, and then you come to a college away from your city, you start living in hostel and you have nobody. And just don't know, तुम्हें पता नहीं पढ़ना कैसे, तो पता नहीं नंबर कैसे लाने थे, मुश्किल से तुम नीट क्रैक करके आयो। सो एट दैट पॉइंट इफ यू गेट अ गुड पार्टनर, नॉट द टॉक्सिक वंस, लाइक यू गेट अ गुड सपोर्टिंग पार्टनर, तो यू कैन स्टडी एंड जस्ट शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, तो दैट इज बेनिफिशियल। सो डू यू थिंक यू शुड डेट इन मेडिकल कॉलेज या यू शुड डेट आउटसाइड मेडिकल कॉलेज? आई प्रेफर कि कॉलेज में ही हो, ताकि इट्स इजीियर टू कम्युनिकेट। मैं सबको दो टिप तो देता ही देता हूं, मेडिकल कॉलेज में नशे नहीं रुकने चाहिए। व्हाट डिड ही से? मेडिकल कॉलेज में मजे नहीं रुकने चाहिए, और सेकंड कि अपने मेडिकल कॉलेज में डेट मत करो। आई से दिस ओनली बिकॉज़ डिफरेंट ओपिनियन, यस, बट आई ओनली से दिस बिकॉज़ यहाँ पे ना फ्रेंड ग्रुप की बात आती है। आप कॉलेज में 5.5 साल साथ में हर रोज रात दिन होते हो, और उसमें अगर फ्रेंड ग्रुप में अगर तुमने खुद ही में डेट कर लिया ना, वो टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। अब आपको भी यही लगता है कि भाई डॉक्टर ही समझ सकते हैं हमारा स्ट्रेस या व्हाटएवर? डॉक्टर ही समझ सकते हैं हमारा स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन हाइलाइटेड इटैलिक्स बोल्ड। How to approach vivas in medical college, because और colleges से बहुत different होता है। Sorry sir, sorry ma'am. जो बोल रहे हो confidence से बोलो। So मेरा पैथ का वाइवा था, मैम ने पूछा कि diabetic kidney है ये, तो उसमें क्या changes आते हैं? तो मैंने बहुत confidence से बोल दिया, मैम किमिलस्टीन विल्सन। और मैम पूछती पक्का सही आता है? मैंने कहा हाँ मैम 100% सही है, एकदम एकदम यही होता है। मैम बोलती चलो मैं भी देख लूंगी एक बार। ऐसा कॉन्फिडेंस रखो कि मैम को भी डाउट हो जाए कि नहीं वो ही सही है। फर्स्ट ईयर में हमने मस्त एकदम अपना स्लाइड वगैरह बनाई, इसलिए क्या है आधे घंटे में एक्सटर्नल एग्जाम में रखे, फिर एंड में पूछते हैं और कहाँ से हो आप, कहाँ से आए हो, अच्छा ओ अच्छा पापा का नाम क्या, अरे यहाँ पे ओहो हो गया मैं खत्म। फाइनल ईयर में सपोज मेरे को एक केस मिला था एक्स वाई जेड, मैंने उस टॉपिक के पूरा आधे घंटे से मैं 40 मिनट से उस पर एग्जामिनेशन, मैंने ना लिटरली ऐसा होता है कि
उसकी चेस्ट सरकमफेरेंस इतनी माइन्यूट में डिटेलली। फिर उस एग्जामिनर ने पहले हिस्ट्री पूछी क्या है पेशेंट, गलती से मैंने कुछ बोल दिया हेपेटाइटिस बी, मेरा केस रेस्पिरेटरी सिस्टम का था, पूरा क्लेम हो गया हेपेटाइटिस बी पे हो गया, भाड़ में गया मेरा वो पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कुछ नहीं हेपेटाइटिस बी पे चल गया पूरा आधा घंटा उसी पे चल गया। ऐसे लगता है इतनी मेहनत करो और फिर जीरो। मेडिसिन मैंने बोला था कि मुझे ये स्पेसिफिक आपको सिम्टम ना एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो आप डॉक्टर को बोलना मत को कि ये आपके पास ये सिम्टम है, ये चीज मत बोलना। एंड सम ऑफ माय सीनियर्स आल्सो पेड पैसे दिए हैं, मैं आपको 200 रुपए देता हूँ पर ये चीज बोलना मत डॉक्टर को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, वो सिम्टम चेंज कर देते। आई थिंक दिस इज मेरे साथ बैचमेट का वाइवा चल रहा है। आई सो व्हेन शी वाज सीइंग द हिस्ट्री वो कुछ कुछ बोल रहा था, जैसे ही वो आए डॉक्टर सारे एक्सटर्नल उसने सब चेंज कर दिया, न्यू सिम्टम्स बोलने लग गया। डॉक्टर ने पूछ लिया तो उसने सब और पूरा केस ही डिफरेंट था। एंड देन शी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर लुकिंग नीचे, वो चिल्लाए जा रहे चिल्लाए जा रहे। सो पेशेंट्स इज नॉट अलोन। पढ़ने वाले बच्चों पे ना पूरा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ के आया था सिर्फ पीपीआई पेंटाप्रोजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसने पढ़ने वाला टॉपर हमारे बैच का, इसने मेरे पे अंधा ट्रस्ट कर रखा है। जितने एग्जाम थे सारे के सारे सब के सब ये अंधा ट्रस्ट करता है। दिमाग फिर कहेगा शायद सोचेगा सही है बट फिर इसका कुछ अलग है तो ये मेरे वाला ही सही कर गया। और फिर मैं जाता हूँ एचओडी को वाइवा देने, वो मेरे से बैठते ही पूछता है पीपीआई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैंने कहा पढ़ के तो आया हूँ बट छाबड़ा ने कुछ और बताया है। अब मैं बोलता हूँ कि सर वो ना डायरेक्टली एक्ट करती है हमारे, तो बोलते हैं कि तुमने मेरी क्लास अटेंड नहीं करी। मैंने कहा सर क्यों, कह रहा बेटा वो तो सिस्टमिकली एक्ट करती। मैंने कहा ओ शिट। मैंने कहा भाई पढ़ने वालों पे कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपके पहले वाला टॉपर है तो दैट मींस कि आपके वाइवा में आते आते टीचर की एक्सपेक्टेशन वहां पहुंची हुई है। तो उसमें क्या करना है, वॉशरूम। अगला बंदा पहले जाएगा वो उसका वाइवा खराब होगा फिर हम जाके बैठेंगे। कुछ करना करो, एक प्रॉक्सी लगाने वाला ढूंढ लो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वो भाग सब बेकार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बेकार है। यू जस्ट नीड वन पर्सन जो तुम्हें प्रॉक्सी डाले और कुछ नहीं चाहिए। एज अ सीआर आई नो मेरी प्रॉक्सी कभी नहीं लग सकती बट मैंने बहुत लोगों की लगाई है। बट इट्स जस्ट दैट कि वही बात है कि एक बार वो नशा चढ़ गया ना छुट्टी लेने का तो बहुत ईजी होता है। बट दैट शुड नॉट बी द केस कि बिल्कुल ही, बट यस थोड़ा बहुत चलता है। क्लास बंक करके खाना खाने जाएंगे। हां जो प्रॉक्सी लगे उसकी वजह से शायद आज मैं यहां पे खड़ा हूं। मतलब इधर रोक लेते मेरे को तो, अरे ये तो आया नहीं क्लास में तो इसकी तो रोक लो। नहीं भाई, मतलब इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। मतलब दे वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स। मैं तो भगवान मानता हूं लिटरली जिसने प्रॉक्सी ले लिया। मैं हर लोगों को ग्रुप था कोई भी मिस करता था आपस में प्रॉक्सी डाल देते। सो वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। That is basically a way to introduce themselves and yourselves. अब यार तुम मतलब अगर सपोज तुम्हारे को किसी से बात करनी है तुम जाके तुम बोले चलो भाई अब तुम मेरा फ्रेंड बन जाओ, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना सर। तो इट इज़ अ वे कि यार तुम अपने जूनियर्स को जानो कि कौन कहाँ से आया है, दिल्ली से है, यहाँ से है, वहाँ से। तो हमारे सीनियर्स ने हमसे ऐसी बात किया था जब हम लोग अभी भी याद है हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो एक मैम का पीरियड खत्म हुआ तो आए सबके सब आ गए एक साथ मिल के और डोर लॉक कर दिए दोनों तरफ से और बोला चलो खड़े हो जाओ। और हाथ आगे करके सर नीचे झुका इंट्रोडक्शन हिंदी में इंट्रोडक्शन दो हमारा भी हुआ है। एमबीबीएस की एक ही स्पेशलिटी है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सीनियर एंड जूनियर स्टार्टिंग फ्रॉम पढ़ाई टू एंडिंग टू एवरीथिंग। मतलब मेरे सीनियर्स इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि हम लोग हर दिन मतलब जब हम ब्रेक लेते हैं तो साथ में ब्रेक लेते हैं, मस्ती बाहर करने जाते हैं, मतलब ट्रिप्स भी कितने लोग ट्रिप्स उनके साथ जाते हैं। इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड व्हिच इज आई थिंक आई एम आल्सो क्लोजेस्ट टू जूनियर्स ओनली। या 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 में है दो बट वेरी क्लोज टू टू ऑफ माय जूनियर्स। या सो बिकॉज़ वही ना कि टॉक्सिसिटी कभी आई नहीं थी सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। मेरे बैच में आ गई थी मार्क्स व्हाटएवर रीजन। या एंड यू गाइस आल्सो हेल्प ईच अदर राइट ऑब्वियसली इन एवरी वे एवरीथिंग दे वांट आई सपोर्ट देम एंड आई कैन टेल देम एवरीथिंग बिकॉज़ दे आर नॉट फ्रॉम माय बैच सो या अनफिल्टर्ड ओपिनियन सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट जो कहीं से नहीं मिलता है। जितनी नॉलेज सीखी है वो सब की सब क्लिनिक से सीखी है, हर चीज का एप्लीकेशन मैंने तो लिटरली क्लिनिक से सीखा है, इतने मजे आते हैं। DBS is not something that can be learned by reading what's written in those books. वहाँ जाके जब पेशेंट आपके सामने बैठा होता है ना that's the real deal because half of the job is communicating with the patient. Books से कुछ भी पढ़ोगे when you see that in real life बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाता है। रिमेम्बर एवरी केस आई हैव सीन एंड इफ आई एवर गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट मैं कभी गलत मार्क ही नहीं करता। थ्योरी लिखने का तरीका अलग होता है। सो योर ग्रेड्स ओनली टेल कि तुमने थ्योरी कैसे करा है। एक तो तुम अभी एमसीक्यू देके आए हो तो तुमने थ्योरी बिल्कुल छोड़ दी, फिर तुम दोबारा थ्योरी करते हो, देन पीजी के लिए दोबारा एमसीक्यू करते हो एंड देन फिर वो सब चला जाता है और दोबारा सिर्फ क्लिनिकल आ जाता है। तो मतलब तुम्हें ग्रेड्स तुम्हारे लिए भी अच्छे नहीं लगे। इवन इफ यू गेट गुड ग्रेड्स दैट डजंट मीन कि यू आर अ गुड डॉक्टर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रैक्टिस इट क्लिनिकली ना। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैंने टॉप किया ठीक है दैट इज वेरी गुड ठीक है ना करा है सर ने ठीक है किया है अच्छा। तो लेकिन मेरे को ये कभी भी नहीं है कि जिसके ज्यादा नंबर आए
ठीक है, उसको ज्यादा आता है, जिसके कम नंबर आए उसको कम आता है. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट इज ऑल अबाउट किसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है. देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड द सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लक. योर हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, उस दिन का तुम्हारा मूड, वो टॉपिक तुमने जो कल पढ़ा वही आ जाए, बहुत सारे फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. ऑल ऑफ योर बैचमेट्स वी आर ट्रेन नीट में रैंक रैंक रैंक. तुम आओगे एमबीबीएस में भी एवरीबॉडी इज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग किसके नंबर ज्यादा इसके कम है. दैट डज पुट प्रेशर ऑन यू, बट डोंट लेट इट गेट टू योर सेल्फ. देखो अगर तुम्हारा मन है, इफ यू जेन्युइनली फील दैट योर एम्बिशन योर पैशन इज टुवर्ड्स दी सब्जेक्ट, टुवर्ड्स टू बिकम अ डॉक्टर, बहुत आराम से निकलेगा तुम्हारे से. बट अगर इसके अलावा कुछ भी और करना है डेफिनेटली कुछ और करो. लेना चाहिए मेरे साथ. दिस इज माय ओपिनियन कि मैं जिसको बोलूंगा मेरे साथ. हाफ अ सेंटेंस. एमबीबीएस लो इफ यू विलिंग टू सैक्रिफाइस. So it is difficult. If you can not, then mat lo because you will get depressed. But if you are willing to sacrifice, we have sacrificed a lot of fun, a lot of nights, our hair, clothes, skin. If you're willing to sacrifice all of that, then take it. Maybe it's very satisfying and fulfilling. But if you cannot, just don't take it. This white coat comes at a price. Yeah. It's gonna be difficult, of course. Yeah. It's gonna be worth it. Yes, it was. Yeah, okay. Failures hote hain. मैं और कोई ब्रांच नहीं कर सकता था. मुझे मतलब इतना ज्यादा प्यार है इस ब्रांच से, मतलब एब्सोल्युटली का. वर्क लाइफ बैलेंस एंड टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एनीवन कैन एवर गिव यू थ्रू आउट योर लाइफ. पढ़ाई सब कुछ नहीं होती. पांच साल है ऐसे निकल जाएंगे. चौथे साल में हमें हमें पता है खत्म होने वाला कॉलेज, कितना दुख हो रहा है. मजे करना, दोस्त बनाना, मस्ती करना, पार्टीज करना, एंजॉय करना. पढ़ाई पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने मत करना. अरे बिल्कुल भी नहीं करना. गोवा जाना, दो बार जाया है. हाँ, ये लोग दूसरी बार का प्लान बन रहा है. तुम्हारी जिंदगी सब कुछ वापस आ सकती है, टाइम वापस नहीं आ सकते. तो अगर तुमने टाइम मैनेज करके सब तुम सब कर सकते हो. तुम मस्ती भी कर सकते हो, तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में जो तुम्हें अचीव करना तुम कर सकते हो. तीन साल बाद क्लिनिक में बैठे होंगे, पेशेंट को दवाई लिख रहे होंगे, उस टाइम पे सोचोगे कि यार काश हमने दोस्ती करी होती, काश हमने मजे किए होते कॉलेज में, क्योंकि ये पांच साल दोबारा नहीं आएंगे. That was the video. I hope you guys liked it. काफी टाइम बाद आया क्योंकि मुझे टाइफाइड और डेंगू दोनों हो रखा था. I hope it was worth it. It is never worth it. What was worth it? Dengue. Nothing can be worth that. Like I really thought I'm going to die. Yeah, will भी पूरा लिख दिया था सब कुछ. Nothing. एंड आई होप इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिला हो एंड आपको थोड़ी रियलिटीज पता चला हो एमबीबीएस लाइफ के बारे में. और 1,20,000 सब्सक्राइबर्स के गिव अवे विनर्स कम्युनिटी पोस्ट में है, चेक कर लो. बिफोर यू गो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.